हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज की वीडियो सेमेस्टर 5 बीकॉम प्रोग्राम के लिए है। ऑनर्स वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम इस वीडियो को दो पार्ट में करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसे हम एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, सेकेंड पार्ट में कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक लेने चाहिए इसकी बात करेंगे। तो सर, SOL ने अभी रिसेंटली आपके एग्जाम फॉर्म निकाल दिए हैं और फिफ्थ सेमेस्टर के साथ आपको सिक्स के भी एग्जाम अभी ही चूज करने हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। कैसे जाएंगे, सिंपल गूगल पर सर्च करेंगे SOL। देखिए, मैंने सिर्फ SOL लिखा है, SOL के बाद आ जाएगा आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। इसको नीचे ड्रैग करेंगे, इसके बाद आ जाएंगे आप मेन वेबसाइट पे। जब आप मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं तो दो जगह से स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है। एक स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है स्टूडेंट लॉगिन के पोर्टल से, एक स्टूडेंट डैशबोर्ड से, कहीं से भी चले जाइए। जैसे ही आप स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आपका SOL नंबर और यहाँ पे बार कोड। SOL नंबर जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर होता है और बार कोड जो आपके फी स्लिप के ऊपर होता है। ऑल्दो फी स्लिप के ऊपर भी आपका बार कोड होता है और एडमिशन। तो उसके बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने पहले ही लॉगिन करके रखा हुआ है। तो सर, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, तो पोर्टल ओपन होने के बाद अब हम नीचे डाउन 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 करेंगे तो दोबारा से लॉगिन करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, दोबारा लॉगिन करना है। पहली बार जब लॉगिन करेंगे तो आपको कोई हाइफन वगैरह नहीं डालना, सीधा नंबर डालना है। दोबारा जब आपसे पूछा जाएगा लॉगिन करने को, तो आपको यहाँ पे हाइफन के साथ सारी चीजें डालना होगा। जैसे ही हम दोबारा लॉगिन करते हैं, हमारे सामने एक स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन का है वो पोर्टल ओपन हो जाता है, दैट इज जीरा। तो सर, जैसे ही ये ओपन हुआ हमारे सामने पोर्टल, अब इसके अंदर सर क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखिएगा। आपको सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 दोनों के अभी फिल करने हैं। फिलहाल मैं सेमेस्टर 5 की बात कर लेते हैं, फिर 6 की बात कर लेते हैं। 5 में पहला पेपर है जिसके अंदर ऑप्शन दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और HRM। तो किनको क्या लेना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिनका बिजनेस स्टडी स्ट्रांग है वो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग ले ले, और HRM भी लगभग लगभग सेम रहेगा दोनों में से। दोनों के लिए कौन सी बुक है, SH कोई भी मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है। मैं बुक भी बता दूंगा कौन सा लेना है, कैसे पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट में से आपकी इच्छा है सर, आपको दोनों में से जो अच्छा लगे लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग लूंगा अगर मेरा बिजनेस स्टडी, क्योंकि पढ़ा हुआ है मैंने सेमेस्टर 1 में भी और 11th 12th में भी पढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत टच मिल जाएगा प्रोडक्शन मार्केट वगैरह से। ठीक है, आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का सिस्टमेटिक भी इजिली अवेलेबल मिल जाएगा। इसके बाद अगली बात करते हैं पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 आपका आता है जिसके अंदर ऑप्शन है आपका फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल लॉ। तो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इंडस्ट्रियल लॉ आपका पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो सर, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो MBA करना चाहते हैं मस्ट, उनको तो करना ही करना पड़ेगा। जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट का कोई कोर्स करना चाहते हैं उसे, देखो सब्जेक्ट तो वैसे दोनों ही करना चाहिए, लेकिन आपका इंडस्ट्रियल लॉ आगे चल के आपको सेल्फ भी पढ़ सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई कोचिंग नहीं मिलेगी, चाहे आप MCOM करो चाहे कुछ भी करना चाहो आगे फर्दर स्टडी। तो सर, ये बहुत छोटा सा सिलेबस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो आप ले सकते हैं इसको भी। और दूसरा, अनदर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ भी छोटा सब्जेक्ट है बट ये पूरा लॉ रहेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका फंडामेंटल, और इसके लिए बुक भी अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल लॉ के लिए भी बुक अवेलेबल है, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है जिन बच्चों का प्रैक्टिकल के अंदर ज्यादा अच्छा हाथ होता है तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लें, बहुत आसान है। कुछ ही चैप्टर है, गिनती के 5 यूनिट है, 5 यूनिट में कुछ चैप्टर है, हो जाएगा इजिली आपसे। सर, इसके बाद आ जाते हैं हम फटाफट से अगले पॉइंट पे। अगला है हमारा स्किल एनहांसमेंट। स्किल एनहांसमेंट में इन्होंने एक सब्जेक्ट दिया जो कि दो सब्जेक्ट है, एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक है पर्सनल फाइनेंस। नो डाउट पर्सनल फाइनेंस ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं अगेन कहूंगा मार्केट में इसका कोई स्टडी मटेरियल नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिक्स करके कॉम्बो बनाया गया है। तो पर्सनल फाइनेंस सब्जेक्ट अच्छा होने का मतलब जब चीजें अवेलेबल होगी तभी आप पढ़ पाओगे, तो सो अवॉइड। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आप ले सकते हो जो कि सिंपल सा सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप इसे पढ़ सकते हो। हाँ, इसकी भी बुक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल नहीं है, 10 ईयर आ जाएगा 7 से 8 दिन में, अभी चल रहा है उसमें एडिटिंग, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा शिवदास का 10 ईयर।
अगला सब्जेक्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंपलसरी है, नो ऑप्शन, तो इसमें मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। इसके बुक्स वगैरह कौन से राइटर का लेना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। सर ये तो हो गया सर पांच, यानी अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं पहले वाले में से मार्केटिंग ले लूंगा, दूसरे वाले में से एफएम ले लूंगा, तीसरे में से एंटरप्रेन्योरशिप ले लूंगा, और मैं कर ही देता हूं जो मैंने यहां पे सब्जेक्ट चूज किया हुआ है ये, और जिसने मेरे से स्टूडेंट ने पूछा मैंने भी उसको यही दिलाया है कि भाई ये पढ़ लो ये बेटर है। आगे आ जाते हैं सेमेस्टर सिक्स। सेमेस्टर सिक्स के अंदर पहला है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की बात करें हम तो बहुत बैंकिंग भी और इंश्योरेंस भी है। बैंकिंग लॉ भी पढ़ना पड़ेगा और इंश्योरेंस का भी पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग के अपने नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सपोज करो बैंकिंग के अंदर आपका होता है क्रेडिट पीरियड या फिर एनपीए होता है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। और इंश्योरेंस के जिसको अपना करियर बैंकिंग और इंश्योरेंस के अंदर बनाना है वो गो फॉर इट। थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है, कुछ पार्ट प्रैक्टिकल भी है, लेकिन अगेन इसका स्टडी मटेरियल मार्केट में नहीं मिलेगा और ना ही आपको इसका इजिली कोई कोचिंग मिलने वाला है प्रैक्टिकल के लिए। अगला है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाओ, तो कंप्यूटराइज के अंदर पेरोल वगैरह, सैलरी वगैरह बनाने और भी चीजें होते हैं। तो जिनका कंप्यूटर, जिन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है, गो फॉर कंप्यूटर। और दूसरा तीसरा आ जाता है सर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर बच्चा कर सकता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंट भी आपका एक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एमबीए जो बच्चा करेगा उसे तो लेना ही लेना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग छोटा सा सिलेबस है सर, कितने चैप्टर है इसके अंदर? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके चार चैप्टर है। चार चैप्टर कौन सा है? एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक है बजटरी कंट्रोल, एक है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, एक उससे कुछ हेल्पिंग वगैरह के रिलेटेड है, एबीसी एनालिसिस वगैरह। तो अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ा है सेमेस्टर चार में तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। सेमेस्टर पांच में अगर एफएम पढ़ा है तो उससे रिलेटेड भी कुछ चैप्टर इसके अंदर आ जाएगा मैनेजमेंट में। अगला आ जाते हैं इसके अंदर सर, यहाँ पे जो दूसरा सब्जेक्ट आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंडस्ट्रियल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो बुक अवेलेबल तो है मार्केट में, तो लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि इसका आपको कोचिंग लेना पड़ेगा जो कि इजिली नहीं मिलेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आप ले सकते हैं इसके अंदर, और इंटरनेशनल बिजनेस एक बार आप एसओएल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से बुक रीड करेंगे, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, बहुत इजीली अच्छे स्कोरिंग मार्क्स आ जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्कोरिंग, हर बार एमबीए के अंदर आपके स्कोरिंग मार्क्स आ गए तो बेटर रहेगा। चलिए सर मैं यहां से अगर चूज करना हो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, स्किल एनहांसमेंट में आपको कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते सर। अगेन इसके अंदर भी कोई चॉइस नहीं है, इकोनॉमिक्स मिलेगा आपको। तो ये सब्जेक्ट हमें चूज करने ये स्टूडेंट आप बहुत ध्यान से देखें, जिनका ईआर है यहाँ पे टिक करना है, और जिनका ईआर नहीं है वो बच्चे अगर उस पेपर में चाहते हैं कि दोबारा देखें इंप्रूवमेंट भरे तो उसको भी टिक कर लेना है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जिसने इंप्रूवमेंट भर लिया, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे टिक कर दिया कॉस्ट अकाउंटिंग पे मैंने इंप्रूवमेंट भर दिया, और हमारे पहले 50 नंबर आए हुए थे, 5 पॉइंट आए हुए थे, हम सोच रहे हैं कि इस बार ज्यादा आ जाए, कुछ कारण की वजह से हम पढ़ नहीं पाए, 4 पॉइंट आए, तो आपके 4 पॉइंट ही काउंट होंगे ना कि 5 पॉइंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने जो ऑप्ट किया, डीयू का रूल थोड़ा अलग है और सीबीएसई का रूल अलग है, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए 12वीं क्लास में आपके अकाउंट्स के अंदर आपके आए 60 मार्क्स, आपने सोचा हम तैयारी करके दे देंगे और एग्जाम अच्छे से लिख के आएंगे, लेकिन जब दोबारा आपने तैयारी करा तो आपके नंबर आए 40, और 40 मार्क्स आपके आए, तो अब आप कहां मार्कशीट कहीं भी काउंट करवाने जाए तो इधर 40 करवाइए या इधर 60, आपकी मर्जी है। डीयू के अंदर आपने एक बार इंप्रूवमेंट भर दिया तो अगर आप इस पेपर में फेल हो गए तो आपको फेल ही माना जाएगा, कम नंबर आए तो यही नंबर कंसिडर किया जाएगा, इससे अगर ज्यादा नंबर पहले आया हुआ तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हर बच्चों को मैं डिनाई मना करूंगा। हाँ, जिन बच्चों के ईआर आए हुए वो पेपर यहां से सेलेक्ट करेंगे, अगर जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया तो याद रखना फिर अगेन ईआर वो शो करेगा, ऐसा मत समझना सर ईआर नहीं आया। चलिए सर ये तो था हमारा सारा का सारा, इसके बाद बड़ा सिंपल आप व्यू पे जाएंगे और जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, सारा सब्जेक्ट आएगा, पेमेंट का सारा चीज आएगा, 3875 रुपए विदाउट आपका ईआर पेमेंट है, ईआर पेमेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आ सकता है। तो ये सारी चीजें था, तो होपफुली आपको सेमेस्टर नंबर पांच में क्या सब्जेक्ट चूज करना है, छह में अभी से क्या चूज करना है वो आपको समझ में आ गया होगा।
तो हम चलिए फिर आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर किस बारे में, कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी किताब और किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको हेल्प मिला होगा। हेल्प मिले अगर इस वीडियो से, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। साथ के साथ ऑनर्स वाले बच्चे भी काफ़ी सारे पूछेंगे सर हमारा भी बनाए थे, तो उसके लिए भी अलग से वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, कौन से सब्जेक्ट की कौन सी वीडियो लेनी है।